चुतियापा टाइप के हमारे पास मत किया करो, हमको सब चुतिया। जी देखिए अभी क्या बता रहा था उसमें से, किस तरह से किस वर्ड से सुशोभित कर रहा था, आप ध्यान दीजिएगा। वो क्यों आखिर में ऐसा बोल रहा था, आपका आरती न्यूज का जो बड़े भैया मनीष भैया है उनके बारे में कितना अच्छा वर्ड से सुशोभित किया जा रहा था, तो उसके बारे में बताने आए हैं। आप सही कहा गया है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाला की हार नहीं होती, मेहनत करने वाला हार नहीं होती। मनीष भी आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जिस मुकाम पे लोग सोचते हैं और बहुत लोग तरसते हैं उस वहाँ पे जाने के लिए, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए वो शिक्षित है कि नहीं है वो मायने मतलब नहीं रखता है, मायने मतलब ये रखता है कि अधिकतर लोग क्या है कि उनके पास हुनर है, बोलने का तरीका है, और उतना भी बोलने का तरीका है या नहीं है वो अधिकतर लोग और सब जो पत्रकार बंधु लोग हैं उन लोग को देखते होंगे आप लोग, कि उन लोग क्या करते हैं कि जाकर उनसे बोलते हैं और मतलब बोलने का उन लोग का अलग तरीका होता है। लेकिन ये मनीष भैया का जो तरीका है डायरेक्ट मुंह में माइक ठूस के और वो उनसे न्यूज लेते हैं और उनसे बात करते हैं, इनका कुछ अलग ही बोलने का तरीका है। तो लोगों की इससे जलन क्या होती है, जलन ये होती है कि लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो जिस मुकाम पे पहुँचे हमको भी वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन कम वक्त वो जो कलाकार के बारे में, जिस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जो भी ये भोजपुरी इंडस्ट्री से है उसके बारे में, वो इसलिए उससे वैसा जलील से बात कर रहा था क्योंकि उससे वो कम पैसा कमाता है, उससे ज़्यादा आरती न्यूज़ वाला कमाते हैं मनीष भी हैं इसे, इसीलिए उनसे ऐसा बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो मीडिया वाले को, तो मीडिया वाले ही बहुत सारे व्यक्ति को जो सुपरस्टार बनाते हैं, और सुपरस्टार तो बनाते ही हैं, साथ में इतना उनका मतलब क्या बोलते चर्चा ही कर देते हैं कि लोग अधिकतर उनका जाकर कंपनी का जो चैनल होता है उस पर लोग जाकर देखते हैं और व्यूअर बढ़ा देते हैं, उससे ये होता है। तो उनको इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए मनीष भैया के साथ, क्योंकि एक रिपोर्टर ही भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का जो बड़ा से बड़ा सुपरस्टार जो लोग हैं, जो छोटा कलाकार सुपरस्टार बनते हैं उनको बढ़ाने में बड़ी हाथ होती है जो मीडिया को होती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मनीष भैया एक अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी गौतम सिंह राजपूत आपका मंगहिया जवान से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने ही बता रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताए हैं, क्योंकि हम सैल्यूट करते हैं मंगहिया जवान के, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं अश्लील का विरोध करते हैं, सही में कहा जाए तो गौतम सिंह राजपूत जो है सो विरोध करते हैं के चोट पर, या चड्डी फटे या चड्डी बचे उससे वो मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है अश्लीलता को हटाना है। और यह अश्लीलता ही नहीं, चाहे कहीं भी हो जमीनी स्तर की रिपोर्ट को देख लीजिए, तो वो जो है से जमीनी स्तर की रिपोर्ट को भी कैच करते हैं। अब देख रहे हैं उनको कि एक्टिव हो गए हैं, आपका स्कूल वगैरह भी जाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे गुरुआ के स्कूल में गए हुए थे तो ही बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बताते थे हैं। लेकिन वो अभी फ़िलहाल जो जिसके बारे में हम बात करना है वो बता रहे थे आरती न्यूज़ के बारे में, तो आरती न्यूज़ वाले जो थे तो इसके उनको कुछ अश्लील वर्ड से मतलब सुशोभित किया जा रहा था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहाँ भी देखिए गौतम सिंह राजपूत खड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही करते रहिए गौतम भैया, हम लोग आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। और आरती न्यूज़ वाले मनीष भैया से कहना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं सो बहुत दूर तक जाएगा, आपका लोग देखते हैं कि न्यूज़ के अनुसार भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यूअर आपके इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के पीछे बहुत बड़ी राज है, वो बहुत बड़ी राज जो है सो बहुत क्या कहा जाए उसके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है, अधिकतर लोग आपका चैनल देखते हैं। खैर जो भी है इस तरह से उसको नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये हम सभी छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं सभी की इस बात को लेकर उठाना चाहिए कि आखिर में जो भी किया है वो गलत किया है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। और गौतम सिंह राजपूत जो कहीं भी हो इनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो क्या बोलते हैं कि अगर खाना खा रहे तो हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं, और ये होना चाहिए क्योंकि अगर कहीं कोई तो व्यक्ति है जो उसके पीछे खड़ा है, अगर गौतम सिंह राजपूत आज नहीं होते, मंगहिया जवान नहीं होता, तो आज जो है सो बहुत सारे अश्लील वीडियो अश्लील गाने अश्लील समाज में अश्लीलता फैलते जाता। इसी के साथ अपना वाणी को समाप्त करना चाहेंगे, आप लोग से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन लास्ट में ज़रूर कहेंगे जिस तरह से गौतम भैया को और आरती न्यूज़ गंगा न्यूज़ को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं उस तरह रंजीत ब्लॉक RCC को भी बढ़ाने का काम कीजिए कि छोटा छोटा स्तर पर या ग्राउंड रिपोर्ट जो है से आप लोग तक पहुंचते रहे। ओके धन्यवाद।